तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब के साथ फ्रेंड एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फेमस है। तो ये आज फ्रेंड्स हम आप सब के साथ शेयर करने जा रहे हैं बिहार और बंगाल की फेमस रेसिपी बैंगन भाजा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब बनाना फ्रेंड बहुत ही आसान है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने एक गोल वाला बैंगन लिए थे। एक ग्राम में मेजरमेंट करें तो ये लगभग 300 ग्राम का बैंगन होगा फ्रेंड। तो हमें इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करके अब पानी में हम डिप कर लिए थे आधा घंटा के लिए। और फिर से देख सकते हैं हमने एक बाउल में सारे पीसेस को निकाल के रख लेते हैं। तो एक एक करके हम सारे पीसेस को पानी से निकाल के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसको मसाले के साथ हम मैरिनेट करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हम स्वाद के अनुसार नमक यहाँ पे डाल देते हैं। फिर ऐड करेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, जो आप कलर के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में डालिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी कलर हल्दी से आ जाता है थोड़ा सा में ही। तो हमने हल्दी डाल दिए हैं बस हाफ स्पून के लगभग छोटी चम्मच से। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, जो हमने 1/4 स्पून लिए हैं, और यहाँ पे गुलकी पाउडर भी, ब्लैक पेपर पाउडर हमने 1/4 स्पून डाल दिए हैं। और ये फ्रेंड देख सकते हैं हमने गरम मसाला लिए हैं, ये हम हाफ चम्मच से बिल्कुल कम लिए हैं यानी तिहाई। और हम ये लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। इससे हमारे बैंगन भाजा में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो हमने 2 चम्मच डाल दिए हैं और इसमें हम दही 2 चम्मच ऐड कर दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेश दही ही अब डालिएगा। और हम बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे बेसन ऐड कर रहे हैं, जो 2 चम्मच लगभग है। तो बस फ्रेंड अब इसको अच्छे से हाथ को क्लीन करके हम सारे भाजे में, बैंगन के पीसेस में हम अच्छे से मसाला को कोट कर देंगे। तो एक एक पीस लेके हम अच्छे से मसाला को कोटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स एक बात बता दें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको फ्रेंड दाल चावल के साथ सर्व किया जाता है। और फ्रेंड्स बिहार में इसको बैंगन का चकता भी बोलते हैं। और आप लोग क्या बोलते हैं इसको, वो भी बताइएगा कमेंट्स करके। तो हमने अच्छे से सारे पीसेस को मसालों से कोट कर दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम ढक के सिर्फ 5 मिनट हम रेस्ट पे रखेंगे और उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तब तक ये 5 मिनट इधर हो जाएंगे फ्रेंड। ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो नमक डाला हुआ पानी छोड़ देगा तो बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर आपको रेस्ट पे ज़्यादा देर रखना है तो नमक बिल्कुल आप ऐड नहीं करिएगा, बनाने के टाइम आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने फ्रेंड्स सारे पीसेस को मसाले से कोट कर दिए हैं। अब इसको कवर कर देते हैं और चलते हैं आगे का प्रोसेस करने। तो देख सकते हैं हमने यहाँ कवर कर दिए हैं। अब हम गैस पे इधर देखिए पैन को चढ़ा दिए हैं। और पैन को फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गरम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 चम्मच लगभग हम सरसों ऑयल में बना रहे हैं। तो धुआं निकलने तक फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से तेल को पका लेंगे पहले।
और इस तरह से हम चारों तरफ फैला लिए हैं ताकि जब हम पीसेस डालें तो ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं और इससे टूटेगा भी नहीं फ्रेंड्स। तो अब हम जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा ऑयल, तब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, एक पिंच लगभग। इससे तेल का जो छींटा होता है बाहर नहीं आएगा। तो देख सकते हैं हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला, बस इस तरह से हम फैला दिए हैं। और अब हम सारे पीसेस को ऐड करेंगे, तो ज़्यादा भर के बिल्कुल मत ऐड करिएगा। जितना पीसेस आता है एक बार में उतने पीसेस हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो इसको आप तवा फ्राई भी बोल सकते हैं। अब बहुत ही घर के बेसिक मसालों से ये बन जाते हैं फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देख सकते हैं चार पीसेस आए हैं टोटल, तो बाकी का हम अगले बैचेस में बनाएंगे। तो इसको फ्रेंड हम कवर करके 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये बैगन जो है अच्छे से एक साइड सॉफ्ट हो जाएगा और एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं हम 4 मिनट बाद आपको दिखा रहे हैं। तो आप इसको फ्रेंड देख सकते हैं अंदर से मसाले फ्राई हो गए हैं, दिख रहा है हल्का हल्का। तो अब हम अच्छे से इसको पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड वाह कितना अच्छा प्यारा कलर आ गया है, बस ऐसा ही कलर हमको चाहिए था। तो बस एक एक पीसेस हम उठा के अच्छे से पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं। और फिर से फ्रेंड कवर कर देंगे, फिर से हम 3 से 4 मिनट दूसरी साइड भी फ्राई करेंगे। बस 1-2 स्पून यहाँ पे चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फ्रेंड। तो बस अब कवर कर दिए हैं, फिर आपको दिखाते हैं 3 से 4 मिनट बाद। तो फिर से हम 3 मिनट बाद आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये अंदर से भी देख सकते हैं दिखने में लग रहा है ये फ्राई हो गया। तो बस एक एक पीसेस हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा बैगन अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बस सावधानी से हम निकालेंगे ताकि हमारा जो पीसेस है टूटे नहीं। तो देख सकते हैं हम कितना सावधानी से सारे पीसेस को निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं टूटा एक भी नहीं है। और बस फिर से हम सेम पैन में ही फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं एक भी पीसेस टूटा नहीं है। और जो हम इसमें बेसन को ऐड किए हैं फ्रेंड, इससे इसमें क्रिस्पीपन हल्का रहेगा। ऐसे ज़्यादातर आप देखते होंगे फ्रेंड बैगन का आप भाजा बनाइएगा बिना बेसन के तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो बेसन से होगा क्या फ्रेंड, इसमें एक अच्छा सा लेयर का बॉन्डिंग रहेगा और बिल्कुल क्रिस्पी रहेगा और ये टूटेगा भी नहीं। तो बस फिर से हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं और जो भी पीसेस बचा हुआ था हम सारे को डाल दिए हैं। और जो भी हमारे मसाले बच गए थे बाउल में उसको भी यहाँ पे डाल दिए हैं फ्रेंड। अब फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, 3 से 4 मिनट तक फिर से कवर कर देंगे और फिर से इसको अच्छे से पलट लेंगे। तो बस हल्के हाथों से ही पलटिएगा, अब बिल्कुल सावधानी से फ्रेंड, कोई जल्दीबाजी नहीं करिएगा नहीं तो पीसेस टूट भी सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने सारे पीसेस को पलट लिए हैं और यहाँ पे चाहें तो फिर से 1 से 2 स्पून ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर से हम 3 से 4 मिनट इधर भी फ्राई कर लिए हैं। और आपको लग रहा है फ्रेंड कि कम है, थोड़ा सा और फ्राई होना चाहिए था, तो फिर से आप इसको पलट लीजिए। और इसको फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट फिर से रखेंगे,
एक साइड दूसरे साइड और फिर से इसको हम निकाल लेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड। अब चलिए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं इसको। तो देख सकते हैं हम प्लेटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा जो बैंगन भाजा है कितने टेस्टी दिख रहा है फ्रेंड्स, और देख सकते हैं कितना आसानी से बन जाता है और हमारे घर के बेसिक मसालों से ही बन जाता है। इसमें बाहर का कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगता है फ्रेंड जो आपको मंगवाना पड़े, बस घर के मसालों से, बहुत ही कम मसालों से आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको फ्रेंड आप चाहें तो ग्रेवी का भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा बैंगन भाजा बनके पूरी तरह से रेडी है और आपको हम प्लेटिंग करके भी दिखा दिए। तो देख सकते हैं कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है फ्रेंड। तो दिखने में जितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उससे काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आप इसको दाल चावल के साथ सर्व किया जाता है और इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और चावल के साथ तो काफ़ी बढ़िया लगते हैं फ्रेंड। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।